देखिए दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर क्या दे रखा है? पाँच आपको दे रखा है। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान आपको निकाल कर लाना है। देखिए थोड़े से रूल हैं जिससे आपको बहुत आसान हो जाएगा। थोड़े से रूल हैं जो हम आपको करा दे रहे हैं। देखिए बहुत आसान हो जाएगा रूल से आपको बहुत आसान हो जाएगा। देखिए ज़रा, ज़रा ध्यान दें। थोड़े से रूल हैं, हम आपको और भी रूल ज़रा समझा देंगे किस तरीके से आपको यूज़ करना है, हम आपको बता देंगे। ये आपके चार रूल हैं। रूल क्या है देखिए, अगर यहाँ पर आपका प्लस प्लस है तो आपका माइनस रहेगा, अगर आपका यहाँ पर माइनस माइनस है तो आपका प्लस रहेगा, अगर यहाँ पर आपका माइनस प्लस है तो आपका प्लस रहेगा, अगर आपका प्लस माइनस है तो आपका प्लस रहेगा। याद रखें ये तीनों मान आपके प्लस प्लस के हैं, केवल एक वाला मान आपका अलग है, तो आप तो आसानी से याद कर लेंगे। प्लस प्लस क्या है? आपका माइनस है, बाकी सब क्या है? आपके प्लस के हैं। आगे देखिए, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये आपके रूल हो गए। अब आप देखिए अपने आगे सलूशन में देखिए या आंसर में, यहाँ पर आपका मान दे रखा है पाँच, तो यहाँ पर आप पाँच का स्क्वायर करेंगे। याद रहे पाँच का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, आपको एक्स स्क्वायर दे रखा है, मतलब एक्स की पावर दो दे रखी है, तो दो इसमें से कम करेंगे, तो पाँच का स्क्वायर 25 माइनस दो क्या मिल गया आपको? 23। तो आपका आंसर क्या आ गया? 23 आ गया। तो ये वैल्यू किसकी आई है आपकी? इस वैल्यू की, इसकी वैल्यू क्या आई है आपकी? 23 वैल्यू निकल के आई है। बहुत शॉर्ट तरीका है, आप आराम से पाँच सेकंड में आराम से निकाल सकते हैं। केवल रूल का ध्यान रखें, आपका एग्ज़ाम में टाइम बच जाएगा और आराम से आप निकालेंगे। आप वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको और भी इम्पोर्टेंट प्राप्त होता रहे।